चाहे आप आर्ट्स के साइंस के कॉमर्स के सबका पेपर सेम रहेगा, सबके सब विद्यार्थियों का जो पेपर हिंदी का सेम होता है, क्योंकि जो ना ये जो परीक्षा है टेस्ट परीक्षा है, इसलिए इस परीक्षा का जो पेपर सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको कहता है कि 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया हुआ, किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले ना प्रश्न, उच्चारण में वायु प्रक्षेपी की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हुआ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, यानी कि 2 है 3 है 4 है 5 है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन यानी कि क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, कितना होता है तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है अयोग्यवाह का अर्थ क्या होता है? पहले तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो अयोग्यवाह का अर्थ होता है योग्य ना होने पर भी जो साथ दे उसको अयोग्यवाह कहते हैं, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा 2 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सभी विद्यार्थी एक एक करके नोट करेंगे, सभी का जो ना मैं करेक्ट आंसर 100% बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो ना थोड़ा बहुत आंसर गलत, इसका कारण ये था कि मैं किसी अन्य का जो ना आंसर देख कर डायरेक्ट में बना दिया था और रात का समय था थोड़ा, इसलिए जो ना दिक्कत हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट में जो भी दिया जाता है वो 100% रियल रहता है और 100% सही आंसर दिया जाएगा वेबसाइट पर, तो आप लोग जो वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए कहता है व्यंजन के नीचे हल, इसको बोलते हैं हल होता है। ठीक है, हल उसको हल लगाने का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, व्यंजन में स्वर वर्ण के साथ, ठीक है, व्यंजन में स्वर वर्ण के साथ होता है। चलो प्रश्न प्यारा जो देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण दंतुष्ट, दंतुष्ट का उच्चारण है। ठीक है, दंतुष्ट का उच्चारण कौन है, तो 4 कैरेक्टर सभी व्यक्ति याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वह हो जाएगा, क्या होगा वह होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लीजिए। 5वां प्रश्न याद दिया हुआ है और कहता है स्रव का वर्ण किन वर्णों के मिल से बना हुआ। ठीक है, तो ये जो स्रव है ना, ठीक है, स्रव वर्ण जो है वो किन वर्णों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा इस आंसर में किन वर्णों से मिलकर बना हुआ, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए। ठीक है, याद रखिएगा क्या हुआ, ऑप्शन बी यानी कि श, तालाब में स्रव हो जाएगा और रॉ हो जाएगा। ठीक है, अलंकृत करने पर अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि क्या होगा, तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर सी, नोट करेंगे सभी विद्यार्थी राइट आंसर। ठीक है, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने पर अलंकार जो बनता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन यानी कि सी, यानी जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो तो उसे कौन सा शाब्दिक कहते हैं। ठीक है, कौन सा शाब्दिक शब्द शक्ति कहते हैं, कौन सा शब्द शक्ति कहते हैं, तो 8 का राइट आंसर जो याद रखे वो हुए ऑप्शन नंबर डी और व्यंजना हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न देख लीजिए, पर उच्च कहता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रत्ती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्यारे देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो प्यारे जो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न कहता है, गौर से देखिए प्यारे जो कहता है कि तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो याद रखिएगा तुम जाओ जो ना ये इसका आंसर है 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी और राइट। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, क्या होगा आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है परसून किसका पर्यायवाची शब्द है, तो परसून किसका पर्यायवाची शब्द है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट। ठीक है, फूल का क्या हो जाएगा, फूल का। अगला प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों, 13वां प्रश्न, गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या होता है, इसका आंसर याद रखिएगा कि 13 का
राइटर्स ऑप्शन में डी ओवर राइटर्स है, ठीक है, क्या होगा तो राइटर्स ऑप्शन में डी ओवर राइटर्स है, ठीक है, 13 का राइटर्स क्या होगा ऑप्शन में डी ओवर राइटर्स है, ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन में डी, ठीक है, लापता होना, ठीक है। आगे देख लिया, अगला प्रश्न 14 प्रश्न कहते हैं ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होता है, तो 14 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे यानी कि अनैतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइटर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा समास है, तो प्रत्युपकार शब्द में जो ना ये अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी होगा राइटर, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर अच्छा बहुत मेहनत लगता है आपके लिए, सारा मेहनत किया जाता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जो है आपको आगे जो पूरा हर को जो एग्जाम हेल्प करूंगा और छोटा बड़ा अपडेट में लाते आऊंगा, ठीक है, लेकर आऊंगा। अगला प्रश्न देख लिया, कहता है 16 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा शीर्षक पाठ एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 11 की पुस्तक वितान से आपकी पाठ्य पुस्तक में सभार संकलित है, ठीक है, सभार संकलित है, तो कक्षा 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ वितान, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 16 के विद्यार्थी याद रखेंगे कि सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 16 का राइटर ऑप्शन नंबर ए होगा राइटर, ठीक है, क्या होगा 16 का राइटर क्या होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा राइटर, ठीक है, सभी विद्यार्थी याद करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है 17 प्रश्न है चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो 17 का राइटर सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कहानी है, क्या है कहानी ऑप्शन बी होगा राइटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 प्रश्न कहता है कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो 18 का राइटर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर यानी सी होगा राइटर, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइटर, ठीक है। अगला प्रश्न है विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री प्राय किस दर्द के शिकार हुए गए, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों याद रखिए वो पेट के दर्द से हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइटर, ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन में क्या होगा तो बी होगा राइटर, ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि 19 का राइटर सर ऑप्शन बी होगा राइटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देख लेते हैं, 20वां प्रश्न याद दिया हुआ कहता है कि झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का राइटर सर सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा यानी कि ऑप्शन बी होगा राइटर, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 20 का राइटर ऑप्शन बी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशों प्रति व जातीय उत्थान के लिए अंतस्थ की झलक दिखाई पड़ती है, तो प्यारे बच्चों याद रखे 21 का राइटर ऑप्शन बुड्डी हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 22वां प्रश्न देख लीजिए, 22वां प्रश्न याद गौर से देखिए, कहता है पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजू बाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप में बखान है, ठीक है, याद रखिए ईश्वर के किस रूप में बखान है, तो 22 का राइटर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन में यानी कि ए होगा राइटर, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन में ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न याद दिया कहता है कर प्रहार कहां कर प्रहार तू, ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा तो 23 का राइटर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन में यानी कि तोड़ती पत्थर, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लीजिए 24वां प्रश्न कहता है कि भारत दुर्दशा शीर्षक भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की स्थिति में सबको क्यों अवमानित करते हैं, तो याद रखिएगा कि 24 का राइटर सर क्या होगा तो 24 का राइटर सर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, रोने के लिए, किसके लिए तो रोने के लिए, ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 25वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर किस युग में हुआ था, तो 25 का राइटर सर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइटर, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सभी उत्तर, क्योंकि आपको 25 का ही आंसर देना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ चलिए कि कैसे आपको इसका क्वेश्चन पेपर जो है पूरा इसका आंसर डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आगे यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर आ चुका, ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव ही दिया गया, देख सकते हैं, ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव दिया गया, तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर।